हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम लेक्चर नंबर 101 दे विच। तो जिवें तुहानू पता है कि लास्ट डे तो हुण अपने किवें चल पे आ, सारे लैक्चर तो जरूर तुहानू पसंद आए होणगे। मैं कमेंट भी बड़े सी, बच्चे बहुत वधिया कमेंट कर रहे सी, तो बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा फीडबैक ते प्यार देण वास्ते। तो हुण इन फ्यूचर तुहानू ऐ ही मिलिया करनगे सारे लैक्चर। टाइम जरूर ज़्यादा लग जांदा, मैं तुहानू उस दिन भी कहा सी, पर यह सोचा सी कि बच्चों वधिया तो वधिया मटीरियल प्रोवाइड करवाया जाए। तो सब तो पहले थोड़ा मैं दसदा कि 25 क्वेश्चन होंगे अपने हर एक सब्जैक्ट के न रिलेटड, मोस्ट इंपोर्टेंट तो सिलेबस के अकॉर्डिंग। इन चीज़ों का दोवों का खास ध्यान रखियो। जे कोई कहता है कि नहीं सर सिलेबस तो बाहर है, तो मैं जरूर कमेंट करके दसिया करो कि क्वेश्चन सिलेबस तो बाहर है, फिर मैं देखना। वैसे 101% सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन होंगे है, ठीक है। तो चलो शुरू कर दिया बिना टाइम वेस्ट किए फस्ट क्वेश्चन नाल। लो फस्ट क्वेश्चन अपने को हैगा, आज़ादी तो पहला भारत में तेल का एको एक उत्पादक राज सी गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, असम। ए बी सी या डी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जेडे बच्चों ने अपने प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किए तो सारे बच्चे ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन के सारे लिंक मिल जाएंगे थोनों। ऑनलाइन टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन के, जे ऐप लैनी है तो टैलीग्राम ज्वाइन कर लो, उन मिल जूगी। तो चलो आप आंसर वाल चलते हैं। राइट आंसर अपने को फस्ट का अपने को आएगा, वेरी गुड, वो आएगा अपने को डी, असम डी, वेरी गुड, बहुत वधिया। नैक्सट चलते हैं आप, तांबा मुख्य रूप में किस राज विच मिलता है? बिहार, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश। ए बी सी या डी, दसो की आंसर आएगा इनका। तांबा जड़ा मुख्य रूप में किस राज विच मिलता है? ए बी सी या डी, सारे बच्चे वध तो वध आंसर करिया करो। कल टेस्ट पाया सी राती, जेडे बच्चों ने नहीं दिता सारे बच्चे अटैम्प्ट कर लो जाके, 62 नंबर टेस्ट है, ठीक है, सैट नंबर 62, सारे बच्चे अटैम्प्ट कर लो जेडे बच्चों ने नहीं दिता टेस्ट। दसो की आंसर आएगा इनका, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? वेरी गुड, जेडे बच्चे आंसर कर रहे हैं बहुत वधिया। दसो की आंसर आएगा इनका, ए बी सी या डी? तो अपना राइट आंसर आऊगा इनका बी, झारखंड बी आंसर आऊगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लो भारत में किस खान तो साल 1774 सब तो पहला कोयला कढ़िया जाता सी? सिंगरैनी, बोकारो, चनिया, रागंज। ए बी सी या डी, दसो की आंसर आएगा इनका, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, सारे बच्चे आंसर करया करो, ता ही थोड़ी इंप्रूवमेंट होनी है, ता ही थोड़ी नवी नवी चीज़ें देखने को मिलनगियां। मॉक टेस्ट तो भुल के भी मिस ना करया करो, जे कह देंगे बच्चे कि सर घट टाइम हुंदा है तो मॉक टेस्ट तो पक्का ही लगाया करो, ठीक है। 11 बजे, पूरे 11 बजे थोड़ा मॉक टेस्ट मिल जाता है। मैं अपनी जिम्मेवारी नाल पूरे 11 बजे मॉक टेस्ट दे दिना, तो थोड़ी भी जिम्मेवारी नाल 20 से 25 मिनट कट लिया करो। तो आप राइट आंसर वाल चलते हैं, राइट आंसर अपने को आऊगा थर्ड का, वेरी गुड, वो आएगा बी, बोकारो, बी आंसर आएगा अपने को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ वाल, लो 2011 की जनगणना अनुसार भारत में कुल लिंग अनुपात कितना है? दसो, 940, 854, 244, 500। ए बी सी या डी, दसो की आंसर आएगा इनका। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? 940, 894, 944, 500। ए बी सी या डी, यहो जे क्वेश्चन ही तुहानू देखने को मिलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे मॉक टेस्ट के विच, थोड़े सारे सब्जेक्ट कवर कर देने हैं। 2500 तो ज़्यादा MCQ हो चुके हैं, जेडे बच्चे नवे उन्होंने मैं दसदा 2500 तो प्लस MCQ, वो भी डिफरेंट, कोई भी रलदा मिलता नहीं। हुण खुद ही तुसीं एस्टीमेट लगा सकते हो कितनी ज़्यादा अपनी प्रैपरेशन हो चुकी है। तो अपना राइट आंसर आऊगा सी, 944। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ वाल, लो राष्ट्रीय आमदन नूं मापन की अवधि कितनी हुंदी है? 5 साल, 1 साल, 2 साल, 10 साल। ए बी सी या डी, राष्ट्रीय आमदन नूं मापन की अवधि कितनी हुंदी है? 5 साल, 1 साल, 2 साल, 10 साल। ए बी सी या डी, इत्थे गल कीती जा रही है राष्ट्रीय आमदन नूं मापन की, ठीक है, कि होर ही सोच के ना बैठे रहे हो।
दसो की आंसर आएगा, 5, 1, 2, 10 ए बी सी या डी। वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे आंसर करो जिन्हें जने भी देख रहे हो। जिहड़े बच्चों तुसी नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो तुसी उन्होंने शेयर कर दिया करो, जे कोई कहिंदा कि सानू नोट्स वगैरह चाहिए तो उन्होंने शेयर कर दिया करो, ऐप दे दिओ उन्होंने ते नोट्स चाहिए ना। जे उन्होंने टेस्ट देने फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन हर एक चीज़ उत्थे प्रोवाइड हो जूगी सून एज पॉसीबल, जिन्ना जल्दी हो सकता है। न्यू चीज़ा थोड़ा पता है कि न्यू चीज़ा लिया तो असं पूरा अपना 100% दिने, टाइम ला देंगे थोड़ा जहा पर वधिया देवे। तो आप राइट आंसर वाल चलते हैं, राइट आंसर आऊगा अपने को बी 1 साल। वेरी गुड, नैक्सट चलते हैं अपन 6th वाल, दिल विच बैठ जाना। दिल विच बैठ जाना, गल पैना, घर करना, गल ना लाना, गदगद होना, ए बी सी या डी। थोड़ा मैं पहला क्या सी, अखाना, मुहावरे, अर्थ हो गए, इन चीज़ों आप करा भला दी बिल्कुल ही सिंपल क्यों ना हो, बिल्कुल ही सिंपल क्यों ना हो, ये सारिया कंप्लीट करा आप जो थोनू पता लग सके कि चीज़ों के थोड़ा कन्फ्यूजन आ रही है थोड़ी जी। दसो कि आंसर आया क्या, ए बी सी या डी, 1, 2, 3, 4, गल पैना, घर करना, गल ना लाना या गदगद होना। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, आंसर तो सारे ने कर ही दिता होना, इन्हें अपने को आंसर आएगा 6th, 3, घर करना। ठीक है, राइट आंसर आएगा अपने को 3। नैक्सट चलते हैं अपन, लो ये टाइप करना थोड़ा जा डिफिकल्ट हो जाता, गल्लां बहुत पर कम घट करने लई केड़ा खान वरत्या जाएगा, भरे पेट ते शक्कर खरीदे लई। ठीक है, थोथा चना बाजे कना नाल उस, आटा गुंदी हिलदी क्यों है नहीं ते, भजदियां नू वान इको जिहे, ए बी सी या डी। दसो की आएगा, ए बी सी या डी। इत्थे चलो मैं थोड़ा आंसर से दसदा, दसो की आंसर आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, जिहड़े बच्चे आंसर कर रहे हैं दसो की आंसर आएगा, भरे पेट ते शक्कर खरीदे, थोथा चना बाजे कना, आटा गुंदी हिलदी क्यों नहीं, तो भजदियां नू वान इको जिहे, ए बी सी डी। तो अपना राइट आंसर की आऊगा, इतों तक आऊगा। ठीक है, लो क्योंकि इधर थोड़ा मैं पहला क्या टाइप वेले थोड़ी बहुत हो सकता इधर उधर, पर यह मिसटेक नहीं होगी, एक दो चीज़ा ज़्यादा ही लिखिया जाएंगे। लो ठीक है, अपना राइट आंसर थोथा जाना बाजे गना, बी आंसर आएगा अपने को। नैक्सट चलते हैं, पंजाबी साहित्य इतिहास दियाँ लोक रूढ़ियाँ पुस्तक का लेखक, डॉक्टर बंजारा बेदी, डॉक्टर नार सिंह, डॉक्टर जसविंदर सिंह, डॉक्टर जोगिंदर सिंह कैरों, ए बी सी या डी। दसो की आंसर आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। वेरी गुड, इन्हें नाम्स वगैरह हर एक चीज़ याद रखनी है, ईयर हो गए, नेम हो गए, हर एक चीज़ कंप्लीट करनी है तुसी। ठीक है, किसी ने कुछ भी मिस नहीं करना। दसो की आएगा 8th का, ए बी सी या डी। वेरी गुड वेरी गुड, अपना राइट आंसर की आऊगा, आंसर करता ना तुसी, वो आएगा अपने को ए, डॉक्टर वंजारा बेदी, ए आंसर आएगा अपने को। ठीक है, अगला भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लो अष्टपदी रूप किस बाणी विच वरत्या गया है, सुखमनी, जपजी, असां दी वार, बारहवां माघ, ए बी सी या डी। अष्टपदी रूप है जिहड़ा किस बाणी विच वरत्या गया इन्हां विचों, ए बी सी या डी। देखो किन्ने वधिया इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे है, तो थोनों मैं उन्ना चर एक और चीज़ दस दिना कि कोई भी बच्चा जेडे ऑनलाइन टेस्ट होंगे है वह मिस ना कराया करो। रात भी जो टेस्ट दिते थे तो उदो रिस्पोंस इन्ना वधिया नहीं आया सी, हुण तक तो शायद क्योंकि मैं सुबह सुबह वीडियो बना रहा तो हुण तक नहीं, हुण तक भी नहीं आया, पर 11 बजे तक शायद आ जाए, सारे बच्चे उठ के जल्दी जल्दी आंसर कर दे। डरिया ना करो, कोई गल नहीं, गलत हो जाएंगे क्योंकि उत्थे थोनू किसी ने जज नहीं करना। देखो असी भी थोड़े सामने ये नहीं कि जान जान के लिस्टा थोनू सेंड कर दिए कि रिजल्ट इदा आ आया बच्चों का आ आया। ठीक है, कोई गल नहीं, फिर क्यों घट मार्क्स आए तो नैक्सट बहुत वधिया आएंगे। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, उड़ा सुखमनी। वेरी गुड, नैक्सट चलते हैं 10th वाल, भाई वीर सिंह किस काव्यधारा का कवि है, ए बी सी या डी। दसो की आंसर आएगा, पिछले तो अपने को राइट सीगा सुखमनी, हुण दसो की आएगा, रोमांटिक, प्रगतिवादी, इश्तारवादी, रहस्यवादी, ए बी सी या डी। इत्थे गल की जा रही है भाई वीर सिंह जी की। ठीक है, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। दसो की आंसर आएगा, ए बी सी या डी।
ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੋਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਲਾਸ ਆਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਂਸਰ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਂਸਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਡੀ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਚਲਦੇ ਹਾਂ 11th ਵੱਲ। ਲਓ, ਲੇਖਣ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਏ ਆਏਗਾ, ਬੀ ਆਏਗਾ, ਸੀ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਡੀ ਆਏਗਾ? 11th ਦਾ ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਪੀਸ 'ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਟਬੁੱਕਸ 'ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਾਪੀਸ 'ਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ 11th ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਬੀ, ਸਾਪਤਾਹਿਕ। ਨੈਕਸਟ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਭਾਸ਼ਾਓਂ ਮੇਂ ਸੇ ਦਮਨੀ ਮੂਲਕ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਰੋਮਨ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਔਰ ਸਬੀ? ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਏ ਆਏਗਾ, ਬੀ ਆਏਗਾ, ਸੀ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਡੀ ਆਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਂਸਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਉਹ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 12th ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਸਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸਚਨ। ਜਿਨ ਸ਼ਬਦੋਂ ਕੇ ਅੰਤਰ ਮੇਂ ਅ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਕਹਿਤੇ ਹੈ? ਅਨੁਸੰਵਾਰ, ਅਯੋਗਵਾ, ਅੰਤਸਥ, ਅਕਾਰਾਂਤ? ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਏ ਆਏਗਾ, ਬੀ ਆਏਗਾ, ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ 13th ਦੇ ਆਂਸਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 13th ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਡੀ, ਅੰਕਾਰਾਂਤ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 14th ਵੱਲ। ਮਹਾਦੇਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਯੋਗਰੂੜ, ਯੋਗਿਕ, ਦੇਸ਼ਜ, ਦਿਵਿਦੇਸ਼ਜ? ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਹੁਣ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਸਚਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਵਰਡਸ ਦਿਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਵੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਯੋਗਰੂਡ। 14th ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਇਹ ਯੋਗਰੂਡ। ਨੈਕਸਟ ਚਲਦੇ ਹਾਂ 15th ਵੱਲ। ਗਹਿਰੀ ਹਰੀ ਮੈਂਟ ਮਤ ਪਹਿਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰੇਖਾਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਤਾਓ। ਰੇਖਾਕ੍ਰਿਤ ਕਿਹੜਾ? ਗਹਿਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਖਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈਗਾ? ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ, ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ, ਪ੍ਰੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਾਲਵਾਚਕ? ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਗਹਿਰੀ ਦਾ, ਏ ਆਏਗਾ, ਬੀ ਆਏਗਾ, ਸੀ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਡੀ ਆਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਰੇਖਾਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ? 15th ਕੁਸਚਨ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਂਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ, ਪ੍ਰੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਨੈਕਸਟ ਚਲਦੇ ਹਾਂ 16th ਵੱਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇੰਸ
साइंस चलो साइंस वाल चलते हैं। कुछ स्पीशीज होंगे जेडे नाल उपर वाल तीर का निशान जरा वाला वो की दर्शाता, ठीक है। जो कुछ स्पीशीज नाल उपर वाल तीर का निशान की दर्शाता, जरा तीर का निशाना बनवाया हुआ मैं, किरिया की तेज दर, दाणिया का बनना, गैस का निकलना, गैस का सुखना, ए बी सी या डी, दसो की आंसर आएगा। इनका ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। 16 का ए बी सी डी, देखो किन्ने वधिया क्वेश्चन होंगे अपने हर एक सब्जेक्ट के। मेरे हिसाब नाल मैं अपना पूरा 100% दिना कि थोड़ा मॉक टेस्ट इन्ना वधिया प्रोवाइड कराव कि बच्चों जरूर कोई ना कोई वैल्यू मिले विचों। ये ना हो कि बच्चे कहन कि सर टाइम पास भी नहीं हो रहा साढ़े का। तो 16 अपने को राइट आंसर क्या होगा, गैस का निकलना। वैरी गुड वैरी गुड, गैस का निकलना। 17 वाल चलते हैं अपन, किन्नी तरह के अमल होंगे है, 4, 3, 2, 5, ए बी सी डी, ए बी सी डी, दसो की आंसर आएगा। इनका ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। वैरी गुड वैरी गुड, दसो की आंसर आएगा 17 का। बस इतों बाद थोड़ा मैथ इंग्लिश जो 19 अपने साइंस तक पूरे हो गए क्वेश्चन, दसो की आएगा 17 का, ए बी सी डी, तो अपना राइट आंसर की आऊगा। वैरी गुड, वो आएगा ए, 4, बहुत वधिया। नेक्स्ट चलते अपन 18 वाल, स्वाद विच केड़े खट्टे होंगे है, अमल, खारक, नमक, एलकली, खार, ए बी सी या डी, दसो की आंसर आएगा। इनका केड़े इन्हां विचों होंगे है खट्टे, अमल, खारक, नमक, एलकली, खार, ए बी सी या डी, दसो की आंसर आएगा। इनका ए आएगा, बी सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, दसो की आंसर आएगा। इनका ए बी सी या डी, वैरी गुड वैरी गुड। सारे बच्चे वध तो वध आंसर, ता ही थोनों पता लगेगा किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां दे विच वीकनेस चल रही है। मॉक टेस्ट तो मैं वार वार कह रहा, मिस ना करियो बिल्कुल भी। अपना राइट आंसर की आऊगा, ए अमल। वैरी गुड, नेक्स्ट चलते हैं। 19 कॉपर विच हुंदी है उच्च चालकता, घट चालकता, कोई चालकता नहीं, मध्य चालकता, ए बी सी या डी, देखो किन्ने वधिया वधिया क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आंसर कर दिया करो, ता ही थोनों इंप्रूवमेंट का पता लगेगा। दसो की आएगा, ए बी सी या डी। जिहड़े बच्चों ने बाकी प्लेटफॉर्म नहीं ज्वाइन किए तो कर लो, जो मैथ के सम आन गए उदो मैं थोड़ा उन्होंने बारे डिटेल दस दूंगा। मैं ता ही नहीं पहला दस नाले थोड़ा मैथ के सम करने का टाइम मिल जूगा, ठीक है। चलो आप राइट आंसर चलते हैं, राइट क्या होगा अपने को, उच्च चालकता, ए आंसर आएगा उच्च चालकता। नैक्सट चलते हैं, लो ध्यान मैं हौली हौली पढ़ूंगा, जरूर सारे बच्चे आंसर कर दौ। टू टेक विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। ऑप्शन अपने को लगी है, ए ऑप्शन हैगी है टू बी लॉयल टू अ परसन, टू सैकेंड है टू बी इरीटेटड अबाउट समथिंग, थर्ड है टू बी कोशंस अबाउट एक्सेप्टिंग अ स्टेटमेंट, डी है टू बी सुपरस्टिशियस, ए बी सी या डी, दसो की आंसर आएगा। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। 20th का ए बी सी या डी, टू टेक विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट, दसो की आंसर आएगा। इन विचों थोड़े को 5 सैकेंड, 4, 3, 2, 1, लो हूँ मैं आंसर दसदा। राइट आंसर अपने को आऊगा सी, टू बी क्वेश्चंस अबाउट एक्सेप्टिंग अ स्टेटमेंट, ठीक है, सी आंसर आएगा अपने को 20th का। नेक्स्ट चलते हैं 21st वाल, लो टू गैट इन टू अ स्क्रेप, ऑप्शन मैं थोड़ा दस दिना, टू गैट इन टू ट्रबल, टू हैव एन एक्सीडेंट, टू कोलाइड विद समबडी, टू बी रफ विद अदर्स, ए बी सी या डी। मैं मैथ इंग्लिश के ता ही थोड़ा स्लो स्लो बोलदा क्योंकि थोड़ा प्रोपर टाइम मिल जाए कि इन्हों का आंसर की आ सकता है, ठीक है। दसो की आंसर आएगा 21st का, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा, दसो की आंसर आएगा। ना वैरी गुड वैरी गुड, जिहड़े बच्चे आंसर कर रहे हैं बहुत वधिया, दसो इन्हां विचों केड़ा आंसर आएगा। तो अपना राइट आंसर चलते हैं 21st का, अपने को राइट आंसर आएगा ए, टू गैट इन टू अ ट्रबल, ठीक है, ए आंसर आएगा अपने को 21st का। नैक्सट चलते हैं 22nd, लो
ਇਹਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੂ ਬੀ ਬੋਰਨ ਵਿਦ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਸਪੂਨ ਇਨ ਵਨਸ ਮਾਊਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੂ ਬੀ ਬੋਰਨ ਅੰਡਰ ਐਨ ਆਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਸਟਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਚ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ, ਥਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਬੋਰਨ ਇਨ ਆ ਪ੍ਰੋਸਪੀਰੀਅਸ ਕੰਟਰੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਬੋਰਨ ਇਨ ਆ ਰਿਚ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਪੀਰੀਅਸ ਫੈਮਲੀ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਟੂ ਬੀ ਬੋਰਨ ਵਿਦ ਆ ਸਿਲਵਰ ਸਪੂਨ ਇਨ ਵਨਸ ਮਾਊਥ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਂਸਰ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਂਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਰ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ, ਲਓ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ, ਟੂ ਬੀ ਬੋਰਨ ਇਨ ਆ ਰਿਚ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਪੀਰੀਅਸ ਫੈਮਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਲਓ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਆ ਲਓ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇ ਦਾ ਉਹ ਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੀਕਰਨਾਂ 3x-4y+7 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0 ਦੇ ਅਤੇ kx+3y-5 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0 ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇ ਦਾ ਉਹ ਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੀਕਰਨਾਂ 3x-4y+7 ਬਰਾਬਰ 0, kx+3y-5 ਬਰਾਬਰ 0 ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਕੇ ਬਰਾਬਰ 9/4, ਕੇ ਬਰਾਬਰ -9/4, ਕੇ ਬਰਾਬਰ 4/9, ਕੇ ਬਰਾਬਰ -4/9, ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਆਏਗਾ, ਬੀ ਆਏਗਾ, ਸੀ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਡੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਐਪ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ, ਹੁਣ ਤੱਕ 62 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਡੇਲੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ 62, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ PDF ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੇ ਨਾਲ PDF ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 23rd ਦਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ, ਕੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ -9/4। ਨੈਕਸਟ ਚਲਦੇ ਹਾਂ 24th ਵੱਲ, ਲਓ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਟਾਈਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਲਓ 100% ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ, 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ 9 ਗੁਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, 30 ਅਤੇ 6 ਸਾਲ, 6 ਅਤੇ 30 ਸਾਲ, 20 ਅਤੇ 14 ਸਾਲ, 38 ਅਤੇ 8 ਸਾਲ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਦਾ ਏ ਆਏਗਾ, ਬੀ ਆਏਗਾ, ਸੀ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਡੀ ਆਏਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਦਾ ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਿਊ ਅਪਡੇਟਸ ਦੱਸਦੇ ਰਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਸਚਨ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਸਚਨ ਖੁਦ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਂਸਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 24th ਦਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ, 30 ਅਤੇ 6 ਸਾਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। 25th ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਲਓ 25th, 49 ਰੁਪਏ ਨੂੰ 49 ਰੁਪਏ ਨੂੰ 150 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 50 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 25 ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ।
49 रुपए नूं 49 रुपीज़ है, ठीक है। किन्ने बच्चों वंडिया गया 150, तो हर कुड़ी नूं किन्ने मिले है 50 पैसे, हर मुंडे नूं किन्ने मिले है 25 पैसे, तो बाकी दस्सां मुंडिया की संख्या 102, 100, 104, 105, ए बी सी या डी। देखो किन्ने वधिया क्वेश्चन है, खुद ही अंदाजा लगा लो तुसी किन्नी वधिया थोड़ी प्रैपरेशन चल रही है। जे हजे भी तुसी मॉक टेस्ट लगाउण तों कन्नी कतरा रहे हो, अगे तो चलो बहाना चला लेंदे होंगे कि क्वालिटी नहीं वधिया, कह दिंदे होंगे क्वेश्चन तो वधिया है क्वालिटी नहीं वधिया, सानू कापी ते समझ नहीं आता, हुण तो थोड़ा वो भी बहाना खत्म हो गया। जे कोई कह दिंदा सीगा कि नहीं हुण सिलेबस वाइज नहीं, तो सिलेबस दे वाइज ही होंदे आ, तुहानू मैं वार वार इको गल कहना रहिंदा कि सिलेबस दे अकॉर्डिंग होंदे आ, ये नहीं कि फालतू उधरों क्वेश्चन चक लिया उधर चक लिया, हर एक चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, थोड़े चैप्टर होगा सिलेबस के हर एक चीज़ होगी जिंदे अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करी जाने हैं। प्लीज़ सारे बच्चे जरूर मॉक टेस्ट देखा करो, नाल देना शेयर कर दिया करो, जिन्होंने देखने बंद करते उन्होंने दस दो कि काफ़ी चीज़ा चेंज हो चुकी, तो इन फ्यूचर होर भी होने की कोशिश है करा असी कि इन्हों होर इंप्रूव किया जाए। चलो आप राइट आंसर चलते हैं, राइट आंसर अपने को 25 आऊगा सी 104, ठीक है 104। तो बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा कीमती समय देने लई, बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा साड़ी अपनी फैमिली स्किजा ट्यूशन का पार्ट बनने लई, बहुत बहुत शुक्रिया जिहड़ा तुसी सपोर्ट करते हो, शेयर करते हो, प्यार दिखाने हो, जे कोई मान लो गलती भी होंदी है तो उन्हें भी तुसी नज़रअंदाज कर दिंदे हो, क्यों, क्योंकि ये थोड़े सिर्फ प्यार दा नतीजा है कि तुसी इन्ना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा कीमती समय देने लई, आई स्टडी करते रहो, नाल दे नूं शेयर सपोर्ट जरूर कर दिओ, प्लीज़ कमेंट करके जरूर दस दो किवें दा लग्या इहदा मॉक टेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नैक्सट क्लास दे विच, बहुत बहुत शुक्रिया।